नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा अपने देश में लिए गए एक बड़े फैसले की। दरअसल जो बिडेन ने पिछले साल चुनाव जीतने के बाद एक ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका में मृत्युदंड की कवायद को खत्म करवा देंगे। आपको बता दें कि वो अमेरिका के इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अमेरिका से मृत्युदंड को खत्म करने के लिए आवाज उठाई थी और उसके बाद उन्हें जीत भी हासिल हुई। फिलहाल इसके लिए वो कानूनी सलाह ले रहे हैं, क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने इसके मद्देनजर सभी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा भी की कि मौत के प्रावधान को किस तरह से अमेरिका में खत्म किया जा सकता है। बता दें वो इस पर किसी तरह का विवाद नहीं चाहते, इसलिए सभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही वो चाहते हैं कि ये कानून जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। राष्ट्रपति बिडेन अपने इस फैसले को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास में भी लगे हुए हैं। उन्हें पता है कि मौत की सजा को लेकर राष्ट्रपति उन संगठनों का भी विरोध झेल सकते हैं जो उनके इस फैसले का विरोध कर रहे हैं या आगे करेंगे भी। बता दें मृत्युदंड को लेकर इस समय अमेरिका में बहस भी शुरू हो गई है। जो लोग मृत्युदंड के विरोध में हैं, वो उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द ही इस कानून को अमेरिका से खत्म कर दिया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका में उन लोगों की भी एक बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है जो इस कानून को बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए अब इस मुद्दे पर बिडेन सरकार को बड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। बहुत बड़ा चैलेंज बिडेन सरकार के लिए होगा। अगर बिडेन ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो वो संघीय सरकार की तरफ से कोरोना महामारी के दौरान ऐसा करने वाले पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसी के साथ अमेरिका के संविधान में मृत्युदंड दिए जाने के अभियान को भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। तो चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों पर अपडेट्स पाने के लिए आप बने रहे जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update.